फ्रेंड्स, आप सभी को मेरी चैनल पे वेलकम। आज मैं आपको कुर्ती की नेक बनाना बताऊंगी। मैंने यहाँ पे कुर्ती काट लिया है, अब मैं नेक को काटूंगी। मैंने यहाँ पे गले की साइज 3 इंच लिया है। तीन इंच पर मार्क कर लेंगे। लेंथ यहाँ पे मैंने लिया है 6 इंच। मुझे राउंड नेक चाहिए, तो यहाँ पे अंदर की तरफ थोड़ी सी गोलाई बना लेनी है। आप लोग आपके हिसाब से कर सकते हैं। अच्छी फिटिंग्स के लिए शोल्डर की तरफ 1/2 इंच अंदर की तरफ करके मार्क कर लूँगी। अब काट लीजिए। याद रखना दोस्तों, ये जो नेक की तरफ से कपड़ा निकली है, हम लोग इसी से ही गले की पट्टी काटेंगे। अब अलग से एक कपड़ा लीजिए और उसे 2 फोल्ड में फोल्ड कीजिए। पहले वाला कपड़े को उसके ऊपर रख के मार्क कर लीजिए। अब बाहर की तरफ 1.5 इंच करके मार्क कर लीजिए, बिल्कुल इसी तरह। इसे काट लूंगी। तो ये हो गई गले की पट्टी। अब चलिए देखते हैं इसे कैसे स्टिच करूंगी। सबसे पहले पट्टी के एंड को मैं कच्ची सिलाई करूंगी। आप चाहे तो इसे मशीन से भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे पहले हाथ से किए हैं।
काटी हुई कमीज के ऊपर पट्टी को रख के स्टिच कर लूंगी। पट्टी को कमीज की आगे की तरफ रखिए। अब यहाँ से स्टिच कर लूंगी। सबसे पहले मैंने जो कच्चा सिलाई किया था उसके ऊपर से एक सिलाई दे दूंगी। अब कमीज के साथ सिल लूंगी। याद रखना दोस्तों, यहाँ पे कमीज और पट्टी बराबर रहनी चाहिए, नहीं तो आपकी पट्टी अच्छी तरह से नहीं बैठेगी। अब यहाँ से सिल लूंगी। अब मैं गोलाई वाले दो जगह पे दो कट लगाऊंगी ताकि पट्टी अच्छे से बैठ जाए, बिल्कुल इसी तरह। अब यहाँ से स्टिच कर दूंगी। एक्स्ट्रा पीसेस को काट दीजिए। अब पट्टी को ऐसे मोड़ के हाथ से हेम कर लूंगी। मैंने यहाँ पे आप लोगों को अच्छी तरह से दिखाने के लिए अलग रंग की धागे यूज़ किया है, आप लोगों को सेम कलर की धागे यूज़ करनी होगी। ये हमारी कमीज की नेक बन चुकी है। आप लोग देखिए कितनी अच्छी तरह से फिनिशिंग आई है इसमें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना मत।